कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी शांति अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बक्सा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा। ऐसी सारी जानकारियां जो आई हैं पूरी की पूरी डायरी अब एनआईए को दे दी है और इन सभी कनेक्शनों की जांच। सर दिल्ली में कांग्रेस की कल बैठक होने वाली थी वो टल गई। तो पहले बदला गया समय, फिर कल पहुंच गए तमाम नेता, फिर बोला रद्द, अगली तारीख भी तय नहीं। हाँ, अगली तारीख भी तय नहीं, 24 मई, 26 मई, अब आगे गई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं, एक जनप्रिय नेता है कुछ और कुछ 10 जनपद के प्रिय हैं। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है। अब मध्य प्रदेश में अपन जीतू पटवारी जी को ले लें, अरुण यादव जी को ले लें, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही। और दो 10 जनपद के प्रिय हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोनों डीके कांग्रेस की वाट लगाए दे रहे हैं, तो कांग्रेस का हस्त तो समझ में आ रहा है। आप देखें तो राजस्थान में सचिन पायलट जी जो जनता के बीच के आदमी है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी है, चारों तरफ बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना वाली स्थिति है। सर कांग्रेस आज आ रही है, कल दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजीविका मिशन के जो भ्रष्ट अधिकारी हमको बीजेपी सरकार बचा रही है। देखो दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, बिना प्रमाण के देते हैं, बिना तथ्य के देते हैं। कई बार कहा कुछ प्रमाण हो तो लाओ, तो लाते हैं नहीं। ये चरित्र हत्या की कांग्रेस राजनीति करती है, बदनाम करने की राजनीति करती है, पर मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को, बंटाधार जी को अच्छी तरह से जानती है।